तो जैसे आप शुभ कदम मेरे घर में रखे, उसके बाद मेरा सारा काम ऑटोमेटिक ही बनता चला गया। क्या क्या ऑटोमेटिक बन गया आपके यहाँ पे? गाड़ियाँ आ गई है, मकान बनने के पैसे आ गए हैं, किसी मित्र ने मिलने वाले होंडा सिटी मेरे को गिफ्ट में दे दी। बताओ और क्या कर सकते हैं। हमारा मिलना स्टार्ट ये हुआ था सर, मैंने सबसे पहले टेलीफोनिक कंसल्टेंट किया था, वीडियो देखा था, मेरी बीवी बीमार है, आपने कहा रसोई कहाँ है, आपके कहे अनुसार हमने सारी बातें मानी, फिर आपका विजिट कराया, रूट विजिट आपका इधर आना हुआ था, आपने कहा इस नक्शे को ऐसे चेंज करो, आपने कहा था ब्रह्मस्थान है इसको बंद करो, तो आपके कहे अनुसार हमने उसको बंद किया, 17,000 डाला उसमें, मिट्टी डाली खेत की, कोई मेरा क्लिक था उसने मेरे को होंडा सिटी गिफ्ट में डाल दी, और एक मेरे पुत्र का 28 लाख रुपए फंसे हुए थे, उसने उसके 28 लाख निकलवाए मैंने, उसने 25 लाख मेरे को दे दिए, तू अपना मकान बना ले, एक साल बाद दे देना। मैंने कहा राणा जी ने मकान ऐसा बनवाया, एक साल बाद तो 25 लाख का 50 लाख भी दे दूंगा मैं आपको। और पेट्रोल पंप की स्थिति क्या है? बढ़िया काम चल रहा है पेट्रोल पंप पे। हम वहाँ आए, आपकी किस्मत बदली, ऐसा नहीं है। ब्रह्मस्थान का बोरवेल बंद कराया था, बिल्कुल बंद कराया था, साउथ ईस्ट हाँ। में तो डाउन गया हुआ था, वो आपने ठीक किया था, उसमें किचन शिफ्ट की साउथ ईस्ट अग्नि कोने में, तो चेंज तो आपने किया है, आपने अपने लाइफ को खुद चेंज किया है, सिर्फ ये कह सकते हो कि हमने आपको बताया। भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे घर में पधारे और मेरा मतलब जीवन ही बदल दिया। आज के समय में मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास मतलब पैसे भी नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे ऑटोमेटिक आ गए, 25 लाख 28 लाख रुपए मकान बनाओ, गाड़ियां गिफ्ट भी मिल रही। अच्छा, इस स्थिति को आप डिजर्व तो करते हैं ना? बिल्कुल करता हूँ सर। तो वो बोरवेल बंद करने के बाद में क्या है कि मेरे घर में जो फैमिली प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल क्लोज ही हो गई, ठीक है, और जो नुकसान था मेरे गाड़ियों का ट्रकों का वो मेरा क्लोज हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, ड्राइवर में छोड़ के जा रहे थे वो ड्राइवर भी स्टेबल होके काम करने लग गए, इतना सब कुछ हो गया। हाँ जी, आपको कोई उपाय दिया, बेचा? नहीं दिया, नहीं बेचा, आशीर्वाद आपका, आशीर्वाद बनाए रखना, उन्हीं का है सब। चलो किसी का, मैं तो आपको मानता हूँ। ठीक है जी।